ये जो आप देख रहे हैं ये है फाइनेंस डिपार्टमेंट यानी वित्त विभाग का आदेश जो 15 जुलाई को जारी हुआ है और जिसमें बताया गया है कि 17% से डीए को 28% किया गया है और ये इफेक्टिव हो जाएगा 1 जुलाई 2021 से। पूरा आदेश के बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं अमर उजाला में छपी हुई इस न्यूज़ को। आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें लिखा है कि डीए हाइक, केंद्र के 48 लाख कर्मी और 65 लाख पेंशनरों का 18 माह का इंतज़ार खत्म, 1 जुलाई से लागू होगा फैसला। खबर में आगे की ओर आप देखेंगे तो लिखा है कि केंद्र सरकार के 48 लाख से ज़्यादा कर्मियों और 65 लाख रिटायर्ड लोगों का इंतज़ार खत्म हो गया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में डीए यानी महंगाई भत्ता और डीआर यानी महंगाई राहत पर 18 महीने से लगी रोक हटाने का निर्णय लिया गया है। वहीं पे आगे बताया है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस वार्ता में कहा कि सरकारी कर्मचारियों का यह भत्ता 1 जुलाई 2021 से मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 जुलाई 2021 से यह भत्ता मिलेगा और जिसकी जो दर है ये 17% से बढ़ाकर 28% कर दी गई है। हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों को यह उम्मीद थी कि उनके सरकार उनका 18 महीने का एरियर को लेकर भी कोई घोषणा करेगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। केंद्र सरकार के कार्मिकों के प्रतिनिधि समूह नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम ने 26 जून को डीओपीटी और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक हुई, उसमें इस मुद्दे को संजीदगी से उठाया था और बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के द्वारा की गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आदेश जो इसके बारे में हम आगे वीडियो में भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो अभी अमर उजाला की जो न्यूज़ चल रही है इसको देख लेते हैं, जिसमें बता रखा है कि प्रतिनिधि समूह ने कैबिनेट सचिव से आग्रह किया था कि डीए की राशि के अलावा 18 महीने का एरियर भी जारी किया जाए और कैबिनेट सचिव से की तरफ से ये कहा गया कि इस बाबत अंतिम रिपोर्ट तैयार करके उसे कैबिनेट मंजूरी के लिए भेज रहे हैं और केंद्र सरकार 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को निराश नहीं करेगी। स्टाफ सेड की राष्ट्रीय परिषद ने इससे पहले भी कर्मचारियों के वेतन भत्ते और रिटायर्ड लोगों के महंगाई राहत दिलाने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ में बैठकें की थी। जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा और सदस्य श्री कुमार के अनुसार सबसे पहले वित्त मंत्रालय के तत्कालीन राज्य मंत्री रहे अनुराग ठाकुर ने भी यह घोषणा की थी कि कर्मियों को उनके डीए की राशि मिलेगी। केंद्र सरकार के 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारी और पेंशनर बीते 18 महीने से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत मिलने का इंतज़ार कर रहे थे और कोरोना के चलते जनवरी 2020 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 17% के ऊपर बंद है। उस वक्त एलटीसी जैसे अन्य भत्तों पर भी रोक लगा दी गई थी। कर्मियों का डीए मई 2021 में 21% था, 1 जुलाई 2021 को वह 31% हो गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 जुलाई 2021 को महंगाई भत्ता 31% हो गया है, लेकिन 28% महंगाई भत्ता देने की घोषणा सरकार के द्वारा की गई है। जल्द ही 3% की घोषणा भी की जाएगी। केंद्र सरकार के को यह बात अच्छे से बताई गई कि सेना, रेलवे, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और कृषि और दूसरे मंत्रालयों के अंतर्गत काम करने वाले कार्मिकों ने निस्वार्थ भाव से सरकार का साथ दिया है और वहीं 18 महीने के दौरान अनेक सरकारी कर्मचारी रिटायर भी हो गए हैं और अनेक कर्मी और पेंशनर जिनका निधन भी हो गया है उन्हें डीए और डीआर न मिलने का भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। आपको हमने पहले भी बताया था कि शिव गोपाल मिश्रा जो हैं उन्होंने केंद्र से ये आग्रह किया था कि डीए और डीआर का एरियर अगर एक साथ नहीं दिया जाता है तो यह राशि भत्तों, ये जो भत्ते की राशि है ये एक साथ न देने के बजाय छोटे अंतराल में की अवधि में किस्तों में भी दी जा सकती है। कैबिनेट सचिव को भी उन्होंने कहा था कि 18 महीने के एरियर को किस्तों में दिया जा सकता है। आपको बता दें कि जनवरी 2020 से नवंबर 2020 तक 24%, दिसंबर 2020 से मई 2020 तक 28% और जून 2021 से जुलाई 2021 तक डीए का ग्राफ है ये 31% पर पहुंच गया है और केंद्र सरकार 28 की जगह 31% से ही महंगाई भत्ता देना चाहिए था। हालांकि ये जो 3% का महंगाई भत्ता ये उम्मीद है कि सितंबर या अगस्त या सितंबर तक इसकी घोषणा की जा सकती है। और अब बात कर लेते हैं ये जो ऑर्डर मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही दिखाया था जिसके अंदर ये बता रखा है कि महंगाई भत्ता जो है उसको बहाल करने के साथ ही 17% से 28% करने के साथ ही इसका फ़ायदा 1 जुलाई से मिलेगा, यानी आपको जुलाई की सैलरी में इसका फ़ायदा मिलने वाला है। ये ऑर्डर आप देख रहे हैं, ये ऑर्डर अखिल अरोड़ा जो हैं
उनके तरफ से ये साइन किए गए हैं जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं फाइनेंस के। और आपको बता दें कि इसके अंदर जो बिंदु दिए गए हैं इनको हम थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऑर्डर में बता रखा है कि जो कर्मचारी जो हैं स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनका 27 मार्च 2020 को जो डीए 17% देने का आदेश किया गया था, अब उसको रिवाइज करके 17 से 28% डीए कर दिया गया, जो इफेक्टिव रहेगा 1 जुलाई 2021 से। आगे जिसमें बता रखा है, जिसमें दूसरे बिंदु बता रखा है कि आपका जो महंगाई भत्ता है ये बेसिक पे आपकी जो होती है पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग जो लेवल है और उसके अकॉर्डिंग जो आपकी बेसिक है उसी के ऊपर आपको महंगाई भत्ता दिया जाएगा, अन्य जो स्पेशल पे या फिर जो पर्सनल पे है उनके ऊपर यह है देय नहीं होगा। तीसरे बिंदु में बता रखा है कि जो डीए कैलकुलेशन में जो 50 पैसा जो आता है, 50 पैसा या उससे ऊपर आने पर अगले राउंड फिगर में गिना जाएगा और 50 पैसे से कम होगा तो उसको इग्नोर किया जाएगा। चौथे बिंदु में बता रखा है कि जो डीए की जो इंस्टॉलमेंट है 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 इनको जोड़ते हुए, एडिशनल इंस्टॉलमेंट जो है इनको जोड़ते हुए महंगाई भत्ता 28% हुआ है, लेकिन 1 जनवरी 2020 से लगाकर 30 जून 2021 तक डीए को 17% ही माना जाएगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि डीए का एरियर देय नहीं होगा। अगला जो है पांचवा बिंदु जिसमें बता रखा है कि कैश पेमेंट शैल बी एडमिसेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2021, यानी इसमें बता रखा है कि ये जो कैश पेमेंट है ये 1 जुलाई 2021 से देय होगा, जो कि जुलाई की सैलरी 1 अगस्त 2021 को पेएबल है उसके अंदर ये महंगाई भत्ता देय होगा। और ये आपने जो आदेश अभी अभी आदेश देखा है ये आपको बता दें कि ये फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान की ओर से जारी किया गया है, यानी कि ये जो राजस्थान गवर्नमेंट का आदेश है इसीलिए ये राजस्थान गवर्नमेंट के जो स्टेट एम्प्लॉय हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उन पर लागू होगा। अभी सेंटर का जैसे ही आएगा तब हम आपको बता देंगे वीडियो के माध्यम से कि हाँ आपका भी ये आदेश आ चुका है, लेकिन फिलहाल ये जो आदेश आया है ये आपको बता दें कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का आया है। जैसे ही केंद्र सरकार के द्वारा डीए बढ़ोतरी की घोषणा की गई थी उसके कुछ ही मिनटों बाद में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के द्वारा भी ये घोषणा कर दी गई थी ट्विटर के माध्यम से कि राजस्थान के राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से 28% कर दिया गया है। लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की ओर से इस तरह का आदेश अभी तक नहीं देखा गया है, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट जो है राजस्थान गवर्नमेंट है उनका ये आदेश आपके सामने है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आपने अभी तक अपने इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को कम से कम एक ग्रुप या फिर अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप है या फिर फेसबुक ग्रुप है उसके अंदर ज़रूर शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।